हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों का छोटा भाई अमित। तो गाइस, अभी हमारा ब्लॉग 4-5 दिन से नहीं आ पा रहा था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, तो आज मैं शाम तक आप लोगों को ब्लॉग अपलोड या सुबह तक कर दूंगा। तो गाइस, अभी तो देख ही सकते हैं आप लोग, नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त नवरात्रि यहाँ पर चल भी रही है हमारे विलेज में भी। तो गाइस, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है, तो आज नवरात्रि के 6ठे दिन पर यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रहेगा, तो आज मैं ब्लॉग बनाऊँगा, तो जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो गाइज, ब्लॉग लेट आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइज, आप लोग फाइनली हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलते हैं अभी शाम को और आपको नए नए कंटेंट के साथ। तो कुछ हमारे पीछे का व्यू आप लोग देखिए, यहाँ पर एक तालाब है, बहुत ही ज़बरदस्त तालाब है। फ्लावर देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त निकली हुई है, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही अच्छा। तो गाइज, बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में, तो चलते हैं गाइज, अभी मिलेंगे। फाइनली अभी फुल शाम तो हो चुकी है, आज छठ है, नवरात्रि का 6ठा दिन है। तो आज दुर्गा माता जी को यहाँ पर गांव में सब लोग काजल वाजल लगाते हैं, तो आज का वही प्रोग्राम है। तो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, हमारे घर पे भी एक मूर्ति स्थापना की है हम लोगों ने माता जी की कृपा से, एक छोटी सी, 4-5 साल से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, ऐसे माता रानी का अगर कृपा रहेगा तो। तो गाइज, चलिए मैं अपने घर का जो मूर्ति स्थापना हो तो वहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए गाइज, देख ही सकते हैं हमारे घर पर मूर्ति स्थापना हुआ है। तो आज काजल वाजल लगेगा, तो माता जी की आंखों की पट्टी भी खुल जाए, खोलेंगे तो आप देख ही सकते हैं हमारे घर पर है, बहुत छोटा सा पंडाल है, तो आप देख सकते हैं जो भी है बहुत अच्छा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ज़बरदस्त नवरात्रि का मेरा वीडियो रहेगा, पहला वीडियो है गाइस, तो आप देख ही सकते हैं। चलिए गाइज, अभी मैं फाइनली यहाँ से अपने घर से भी निकलूँगा, माता जी की पूजा वूजा करके फिर चलते हैं गांव में। दो जगहें और मूर्ति स्थापित हुई हैं, एक जगह मंदिर है तो वहाँ पर हमेशा से पूजा होता आया है और वहाँ पर होता ही रहता है, तो वहाँ पर भी मैं आज वहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और गाइज, अभी गाँव में जो सामूहिक मूर्ति बैठी है वहाँ पर भी चलेंगे, तो वहाँ का भी व्यू दिखाएँगे। तो चलिए गाइज, फाइनली आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, तो चलते हैं गाइज। फाइनली अभी मैं अपने गांव के एक टेंपल पर आ चुका हूं, जहां पर भी दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना हुई है और यहां पर भी प्रोग्राम चल ही रहा है छठ का। तो आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे पूरा ये टेंपल है, हमारे पीछे देखिए यहां पर दुर्गा माता जी की मूर्ति स्थापित हुई है, और हमारे पीछे यहाँ पर देखिए आप, रामायण वामायण सब कुछ चल रहा है गाँव में भी यहाँ पर भी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा बैक कैमरे से का व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी कम है और क्योंकि कीड़े आ रहे हैं लाइट के पास बहुत ज़्यादा, तो मैं आप लोग को थोड़ा बैक कैमरे से। गाइज, आप लोग देख ही सकते हैं हमारे गांव के एक टेंपल है, बहुत ज़बरदस्त माता जी की टेंपल है, दुर्गा माता जी का। आप देखिए लाइट कम होने के कारण यहाँ का व्यू थोड़ा कम आ रहा है। तो गाइज, तो आप देख ही सकते हैं बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है गांव में, हमारे गांव का, और श्रद्धालु लोग हमेशा आते ही रहे हैं। देखिए आप लोग, माता जी की टेम्पल है, और इधर देखिए अभी सब लोग बैठ के रामायण चल रहा, रामायण देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर प्रोजेक्टर। तो चलिए गाइज, अभी मैं चल रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ गांव में जहाँ पर सामूहिक मूर्ति बैठी है, वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा, तो चलते हैं गाइज। अभी दिन होता तो यहाँ का व्यू थोड़ा और अच्छा आता, बट क्या करें, कोई बात नहीं, मैं कभी दिन में यहाँ का व्यू ज़बरदस्त दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए गाइज, चलिए गाइज, अभी हम लोग गांव बीच गांव में आ चुके हैं, जहां पर एक अंकल जी की शॉप भी, यहां पर सामान वामान गांव में जैसे बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं पर मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे उनकी शॉप है अंकल जी की। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग और आगे चलते हैं माता जी की मूर्ति के पास, वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइज, आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं गाँव में जहाँ पर सामूहिक मूर्ति बैठी है, तो अभी हम लोग आरती लेने जा रहे हैं, अंकल जी लेकर आए हैं आरती लेने के लिए। तो अंकल जी इधर आइए, अंकल जी इधर आइए, थोड़ा वीडियो में आइए आप, इधर देखिए, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आरती ले ले हम लोग, थोड़ा फिर चलते हैं मूर्ति उर्ती दिखाते हैं। तो जय माता दी, हम लोग आरती ले चुके, तो चलिए गाइज, अभी मैं लोग यहाँ का व्यू 5 रुपया अंकल जी, 5 रुपया। तो चलते हैं गाइज, अभी मैं आप लोग का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। मैं आ गया हूँ गांव में जहाँ पर सामूहिक मूर्ति बैठी है, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आज चढ़ाव उड़ाव बहुत ज़बरदस्त चढ़ रहा है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो चलिए गाइस, अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, भाई आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि माता जी की मूर्ति है, सामूहिक मूर्ति है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, फाइनली आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर मूर्ति, बड़ी वाली मूर्ति हमारे गाँव की है, ये पंडित जी भी हैं,
आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ और यहाँ पर रामायण भी चल रहा है, तो आप लोग को वहाँ यहाँ पर जो फैम महफिल है वहाँ का भी थोड़ा दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। तो चलिए गाइस, देख सकते हैं प्रसाद सा सबको रेडी हो चुका है अभी वितरण होने के लिए। तो आप देखिए अंकल जी प्रसाद सा मिला रहे हैं और मैं भी आप लोग दिखाता रहूँगा। आप लोग गाइस इधर दिखा दूँ आप लोग, यहाँ पर प्रसाद सा कट चुका है एकदम रेडी है वितरण होने के लिए। छोटू भैया एकदम पूरा बिजी है, एकदम प्रसाद साहब काट रहे हैं, एकदम रेडी कर रहे हैं, एकदम परेशान हो चुके हैं, क्या बताएं छोटू भैया। आप लोगों को मैं यहाँ फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग प्रसाद वितरण करने जा रहे हैं और रामायण चल रहा है, कहीं कॉपी राइट ना आ जाए इसलिए डर भी लग रहा है वीडियो बनाते हुए। तो चलिए गाइस कोई नहीं, देखेंगे आएगा तो आएगा, कॉपी राइट राइट तो उसको हटाएंगे और क्या होगा, चलेंगे। तो चलिए गाइस आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है, लाइट मेरे फेस पे ही आ रही है। चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए गाइस आज बहुत ही इन्जॉय हुआ, तो आप लोग फाइनली कंटिन्यू हमारे ब्लॉग को देखते रहिएगा। तो चलते हैं गाइस, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, तो अपने छोटे भाई बहन से प्यार दुलार बनाते रहिएगा। तो चलिए गाइस हमारे दोस्त लोग इतना लाइट हमारे चेहरे पर जला दिए, क्या बताएं, एक बार दिखा दें।